तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग खेलेंगे यार फुर्सत से एकदम रेड इवेंट, क्योंकि यार रेड इवेंट स्टार्ट हो चुका है यार आज रात से ही, मतलब कि कल रात से। यार मैंने खेला नहीं था क्योंकि यार मुझे टाइम नहीं मिल पाया, अदरवाइज़ मैं खेलता ज़रूर। तो चलो अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, और आज आपको मैं कुछ टिप्स भी बताऊँगा कि रेड को आपको कैसे खेलना है। फिलहाल देखो वॉरियर जो भी मैं वॉरियर से खेलूँगा वो आप नहीं यूज़ करना, क्योंकि यार मैं वो यूज़ करता हूँ जो मुझे पसंद आते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपको वो वॉरियर यूज़ करने चाहिए जो बेस्ट हो, मतलब स्ट्राइक ब्रेकर और डिफेंस। और मैं वो यूज़ करता हूँ जिसमें डैमेज ज़्यादा हो, तो ठीक है वॉरियर्स को मत देखना, बाकी जो मैं टिप्स बताऊँगा वो ज़रूर से गौर करना, ठीक है। फिर मैंने अभी तक खेली नहीं थी रेड, तो अब मुझे पता है कि मैं लेट खेल रहा हूँ रेड, और मैं ऐसे रैंक में नहीं जा सकता अच्छी, लेकिन चलो यार फिर भी यार कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, मतलब थोड़ा बहुत तो रैंक आ ही जाएगी 1500 2000 या 1000 के अंदर करीब करीब, तो कुछ ना कुछ कॉइन वगैरह भी मिल जाएगा, और हो सकता है यार अच्छा लेजेंडरी मिल जाए। तो आपको बस पहले यही सा करना है। अभी मैं आपको इसे फिनिश करके दिखाता हूँ जैक डी थॉमस को। जैसे आप यार रेड में ज्वाइन करोगे तो आपको जो पहले वाले जो चार पांच रहते हैं ना टीम में, वो आपकी जो होती है वो पावरफुल होती हैं, ठीक है। तो पावरफुल वाली टीम में ना नीचे वाली जो बैगनी कलर की लाइन रहती है, या फिर आप कह लो पर्पल कलर की जो लाइन रहती है ना, उसके जो भी तीन या दो वॉरियर रहते हैं ना उनको बीट करने में लगाया करो। जैसे मैं अभी बीट कर रहा हूँ जैक डी थॉमस लेवल 7 को, क्योंकि मुझे पता है मेरा किम्बरली का डैमेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं ऊपर वाला लेजेंडरी या कॉमन या रेयर वाला कोई हीरो को बीट करूँगा तो यार मेरा इसका जो डैमेज जितना है वो वेस्ट ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं एपिक वाला किसी को वेट करूँगा, ताकि यार मेरे को ना इसका बेनिफिट मिल सके। तो अभी हमने वेट किया है, देखो ये लेवल 7 या 8 है कुछ ऐसा, इसको वेट किया है। लेवल कितना है इसका पता नहीं फिलहाल, ना ढमकाना। चलो फिर भी 100% डैमेज हमने इसको दिया है एक बार में। और ये लेवल कितना है भाई साहब, जो भी मैंने देखा भी नहीं लो। इसमें हमें 6 टाइजोन के और 20 गैल के और 13 एपिक एसेंसेस मिले हैं। तो अभी अपन ये वाले को करेंगे, लेवल 8 है, वो भी लेवल 8 था। तो यार अभी हम करेंगे एंटोनियो को। देखो जो स्टार्टिंग की 4-5 टीमें आपके पास रहेंगी वो काफ़ी पावरफुल रहेंगी, और वो हर 4 घंटे में आपकी रिफ्रेश हो जाएंगी। तो हर 4 घंटे के बाद जब आपको रेड खेलनी है तो आप मतलब मेक श्योर हो जाओ कि आपको यार नीचे वाली जो बैगनी कलर की जो पर्पल कलर की जो लाइन रहती है, 3-4 वॉरियर से आप पहले वही खेलो। उसके बाद जब आपके वो 3-4 वॉरियर जब कूल डाउन पे हो जाए तो उसके बाद आप लेजेंडरी या कॉमन या रेयर कोई सा भी नोड खेलो, क्योंकि यार उनका डैमेज कम होता है। और आप किसी भी वॉरियर से खेलोगे तो आप बीट कर जाओगे। और अगर आप स्टार्टिंग में ही आप अपने बेस्ट वाले वॉरियर से कॉमन और ये रेयर वाले अगर नोट कंप्लीट करोगे यार, तो आपको जो है वो डैमेज वेस्ट ही जाएगा। फ़ायदा क्या, आप 20 सेकेंड में आप मार दोगे नोट को, और उसके बाद आपका जो होता है वो डैमेज पूरा वेस्ट चला जाता है। तो ये चीज़ें यार बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको अच्छा अगर रैंक में आना है, अगर अच्छा टीम मतलब यूज़ करके आप चाहते हो कि मुझे अच्छा इससे रिवॉर्ड मिले, तो यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो अभी अपन खिला रहे हैं एंटोनियो गार्सिया को, और इसकी करीब करीब मैंने 50K हेल्थ ले ली है, मतलब 50% हेल्थ मैंने लो ब्रेकर मार दिया भाई। तो यार अभी देखो बात ये रहती है कि ये जो नोड होते हैं, जब तक ये लेवल 10 या लेवल 11 के रहते हैं तब तक कोई इशू नहीं है, जब ये लेवल 13 के ऊपर जाते हैं तब ये लाइक अ प्रो खेलते हैं भाई साहब। इतना अच्छा तो हम नहीं खेल सकते जितना ये लोग खेलते हैं, ठीक है। तो यार ये भले ही कंप्यूटर प्लेयर्स होते हैं या फिर आउटो प्लेयर्स होते हैं, बट ये हम लोगों से अच्छा खेलते हैं। अगर अपन लोग ब्रेकर मारेंगे ना तो ये स्ट्राइक मारेंगे, अगर अपन लोग स्ट्राइक मारेंगे तो डिफेंसिव मार देंगे, इन्हें इतना तो पता रहता है। तो इनसे भी हमें कुछ सीखने को मिल जाता है यार कि कैसे प्रेडिक्ट करो। तो कभी कभी आप ध्यान रखा करो कि यार ये लोग कैसे खेलते हैं, मतलब आउटो प्लेयर्स कैसे मारते हैं। तो अगर आप वो चीज़ को भी यार ऑब्जर्व करोगे तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। मैं कभी कभी ऑब्जर्व करता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ, उस टाइम में भले ही वीडियो रिकॉर्डिंग ना कर रहा होता हूँ, बट हाँ वो मैं उस टाइम ऑब्जर्व करने की ट्राई करता हूँ कि यार इन लोग को भी मैं ट्राई करूँ कि यार ये लोग जो आउटो प्लेयर्स होते हैं गेम में, जैसे इवेंट में जो आते हैं रेड वगैरह में, तो यार ये लोग कैसे खेलते हैं। तो अभी मुझे पता है कि ये सब स्ट्राइक मारने वाला है, तो अपन ब्रेकर मारेंगे, और अगर ये ब्रेकर मारेगा तो अपन मतलब अगर ये स्ट्राइक मारेगा तो अपन डिफेंसिव मारेंगे। सॉरी एलर्जन है तो अपने पर डिफेंसिव बहुत है, और डिफेंसिव की कमी नहीं होने वाली है। मिडिल स्लॉट अपना जितना भी है वो सब डिफेंसिव से भरा हुआ है, ठीक है। बूम बाम, और अपने पास है भैया एक स्ट्राइक जो लपेट दिया है। अभी अपने पास ब्रेकर है और इससे लो, बूम नहीं पड़ा। चलो 5000 बची है, और ये खर्चा लो भैया, लो कर दिया है भाई ब्लॉक। और अपन मांगे ग्रीन, बूम बाम, चलो ठीक है, ग्रीन जियो फ्लाइंग केक ओपी मस्त था। और मैं यार एक सजेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि भाई जो भी अपना भाई प्लेयर यार लीग लो लीग में है, या अभी नया है, या अभी मतलब उतना अच्छा नहीं खेलता है यार,
उसकी कम टीम में है अपग्रेड और वो रेड में इतना अच्छा नहीं करता और वो यार उसको पसंद नहीं आएगा कि वो रेड में खेले क्योंकि उसका डैमेज नहीं है, उसकी टीम में नहीं है। पर फिर भी भाई आप लोगों को यार खेलना चाहिए क्योंकि आपको रेड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखो एसेंसेस मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, ऑब्स मिलते हैं और आपको मिलते हैं शार्ट्स, लेजेंडरी, ईपिक, रेयर, कॉमन, हर तरह के आपको शार्ट्स मिलते हैं। तो यार आपको डोनेशन में इतना आइटम नहीं मिलेगा आपको अपनी अलायंस में जितना आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप भले ही दो से तीन दिन के लिए आपको आइटम मिलता है बट यहाँ से आप अनलिमिटेड आइटम ले सकते हो, जितना आप नोट्स कंप्लीट करोगे उतना आपको आइटम मिल जाएगा। सोलो रेड में वैसे ज़्यादा आइटम मिलता है अगर देखा जाए, क्योंकि यार अलायंस में वैसे तो अगर देखा जाए कि अलायंस में ज़्यादा मिलता है बट अलायंस में यार सबको मतलब होता है ना कि इक्वली मिलता है, जिसने जो नोट कंप्लीट किया उसको वो मिलेगा। और सोलो रेड में यार किसको भी मतलब किसी को भी आप बीट करोगे तो सारा डैमेज आपको ही जाएगा और सारा जो रिवॉर्ड होता है वो आपको ही मिलेगा। अगर आप अलायंस में खेलते हो तो मान लो 50% डैमेज आपने दिया तो 50% का जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा और जो जिसने भी मतलब बाकी का 50% दिया या फिर जितने भी लोगों ने उस नोट में पार्टिसिपेट किया तो यार उन लोगों को रिवॉर्ड भी ऐसा डिवाइड हो जाता है। तो यार अगर देखा जाए कि जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा किसे मिलते हैं वो अलायंस रेड में, क्योंकि यार वहाँ पे ज़्यादा नोड रहते हैं खेलने के लिए, क्योंकि यार पूरी अलायंस के लिए वो मैप होता है। और अगर बात करी जाए कि आपको कितना बेनिफिट ज़्यादा होता है तो यार वो सोलो रेड में आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है क्योंकि आपको वहाँ कॉइन्स भी अच्छे मिलते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्स, वहाँ पर आपको शार्ट्स, वहाँ पर आपको जो भी है एपिक एसेंसेस वगैरह जो लेजेंडरी एसेंसेस वो भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं यार। तो आपके बेनिफिट के लिए सोलो रेड बेस्ट है। और अगर आप चाहो कि यार मतलब मेहनत कोई और करे और रिवॉर्ड आपको मिले तो यार उसके लिए देखो अलायंस रेड बेस्ट है, क्योंकि यार आपकी अलायंस वाले अगर आपके हेल्प करेंगे तो यार नोट कंप्लीट करने में तो देखो भाई लेजेंडरी आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आप उनसे फ्रेंडली रहो और उनको बोलो कि भाई मुझे लेजेंडरी चाहिए, मेरे पास है नहीं, तो भाई आप नोट कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प करो और आपको लेजेंडरी मिलेगा फिर, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर देंगे नोट कंप्लीट करवाने में। फिर आप लास्ट में यार किसी को चुराओ नहीं नोट, बस उनको ये बोलो कि भाई मेरे को लास्ट में ये दे दो, राजी रोजी दे देंगे यार, बहुत लोगों का नेचर अच्छा होता है हेल्प करने वाला तो वो दे देते हैं इजीली, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। तो अभी अपन स्लेयर रेंजर को ठिलाने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये 5 लेवल बम बम चलो। तो ज्ञान बहुत दे दिया भाई, अब आती है बारी काम की। देखो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज्ञान तो हर कोई दे लेता है, ठीक है, मैंने भी बहुत ज्ञान पेल दिया, बहुत हो गया, चलो अब मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो भैया लो ब्रेकर बूम बूम बम चलो भाई। देखो ब्रेकर मारने का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि ब्रेकर स्लो होता है, अगर आपके ब्रेकर 1 सेकेंड मारने के बाद भी किसी ने स्ट्राइक मारा ना तो यार स्ट्राइक पड़ेगी, ब्रेकर रेड हो जाएगा और पड़ेगा नहीं। तो यार ब्रेकर मारो तो थोड़ा सा ट्राई करो कि जल्दी मार दो, क्योंकि अगर उसने 1 सेकेंड बाद भी स्ट्राइक मारी ना तभी उसकी ही पड़ेगी, आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। या तो स्ट्राइक उसकी एक्टिवेट ना हो पाए उसके पहले ही आपका ब्रेकर पड़ जाए, वो बात अलग है, उसमें पड़ जाता है। और ये जो अभी गिलिच चल रहा है यार, या फिर जो लोग कहते हैं मिथ हो गया वगैरह वगैरह, तो देखो आपका असिस्ट अगर ब्रेकर है और आपने डिफेंसिव मारा है, असिस्ट आपका स्पॉन होने से पहले अगर आपका डिफेंसिव पड़ गया, चाहे वो असिस्ट ब्रेकर ही क्यों ना हो, तो यार आपका वो असिस्ट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका डिफेंस, मान लो आपने डिफेंसिव मूव मारा और आप जो अपोनेंट है उसने असिस्ट मारा है जो ब्रेकर है और वो स्पॉन भी नहीं हो पाया, मान लो वो आगे आ भी नहीं पाया, ज़मीन पे नहीं खड़ा हो पाया, उसके पहले आपने डिफेंसिव मार दी और वो अगर चला जाता है तो यार उसमें कोई नई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो स्पॉन ही नहीं ढंग से हो पाया तो यार ब्रेकर कहाँ से एक्टिवेट करेगा। मान लो आपके पास 5 EP cost है, आपने ब्रेकर पे दबाने का ट्राई किया लेकिन वो दबा ही नहीं और आपने आप बोलो कि यार मैंने डिफेंडर मार दिया और ब्रेकर कैंसिल हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, पागल थोड़ी ना बैठा है दुनिया यार, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ऐसा कह सकते हो यार वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाया और उसके पहले ही डिफेंसिव पड़ गया, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी यार वो देखो उससे तो मैं ठिला नहीं पाया क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया बट हो नहीं पाया, क्योंकि यार इसका डैमेज अच्छा है और अपने पास हेल्थ का एक यार बहुत इशू होता है इसमें कि हेल्थ नहीं होती, हेल्थ हमारी सिर्फ 4 टीमों में होती है जो हमने असिस्ट अपग्रेड किए होते हैं, बस उसमें 80-90 हज़ार हेल्थ होती है, 1 लाख के ऊपर भी जाती है जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे अलायंस मैप में या सोलो मैप में, मतलब इवेंट में ही रेड के मैप होता है ना, रेड का जो मैप होता है उसमें, तो जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे जैसे अपनी हेल्थ भी बढ़ती है। देखो मैं अभी बताता हूँ कि आपको हेल्थ कैसे बढ़ानी है इस वाले जो मतलब इस वाले यार के सब में जितने भी इवेंट आते हैं इनमें आपको हेल्थ कैसे बढ़ानी है और इसमें आपको डैमेज कैसे बढ़ानी है। देखो अभी इसमें दिखा रहा है ऑल डैमेज दुगना, तो जितने भी आप मान लो नोट कंप्लीट करोगे या जितने भी आप नोट देखोगे तो उस पे ऊपर लिखा रहता है कि इसको नोट को कंप्लीट करोगे तो आपका डैमेज इतना परसेंट बढ़ेगा, आपका हेल्थ इतना परसेंट बढ़ेगा, आपका जो है टीम का हेल्थ इतना परसेंट बढ़ेगा, आपके हीरो लीडर का इतना परसेंट बढ़ेगा। तो यार हर नोट के ऊपर लिखा रहता है राइट साइड में ऐसे नीचे कि आपका डैमेज बढ़ेगा या आपका हेल्थ बढ़ेगा, तो यार वो आप नोट कंप्लीट करो।
तो जैसे मैं अभी मेन वाले नोट की नीचे वाले नोट कंप्लीट कर रहा हूँ, इसमें अगर आप कंप्लीट करोगे तो बाकी नोट से इसमें आपको हेल्थ ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। देखो अगर बाकी में 4% रहेगा तो इसमें 8% या 10% या 6% रहेगा, बाकी में अगर 4 है तो इसमें 6 इजीली रहता है, 8 भी रहता है, 10 भी रहता है, ठीक है। क्योंकि यार मेन नोट के नीचे वाले का डैमेज बहुत होता है और इसकी हेल्थ भी अच्छी होती है, क्योंकि अभी हम लोग लो वाले नोट कंप्लीट कर रहे हैं तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं मुश्किल है, क्योंकि यार हाई वाले जो होते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो उसमें आपको मिलेगा ज़्यादा। देखो मेन वाले में आपकी भले ही जो है वो हो, मतलब डैमेज कम हो, लेकिन अगर आप मेन वाले के नीचे वाले नोट कंप्लीट करोगे, जैसे मैंने अभी ये निंजर वाला कंप्लीट किया, जैसे मैंने उसके बगल में ये है ब्लैक ड्रैगन वाला, तो अगर आप ब्लैक ड्रैगन वाला कंप्लीट करोगे तो इसमें आपका डैमेज भी ज़्यादा होगा। ये देखो दिखा रहा है ऑल डैमेज दुगना, मतलब अगर आप इसको खेलोगे तो आपका जो डैमेज होगा वो इस नोट में आपका डैमेज डबल होगा और बाकियों में थोड़ा सा कम, क्योंकि यार देखो ये मेन के नीचे वाला, इसमें बहुत मैटर करता है आपका डैमेज, क्योंकि यार इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा होती है मेन वाले के, पहले जो होते हैं उनमें बहुत कम हेल्थ होती है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। मैं सोलो रेट की बात कर रहा हूँ, अलाइस रेट की तो नहीं, क्योंकि अलाइस रेट में कितना भी छोटा नोट रहेगा ना उसमें भी यार 40-50 मिलियन हेल्थ होती है, मतलब 40-50 लाख 4-5 मिलियन से तो स्टार्टिंग होती है उसमें। तो अभी भाई इसको ठिला दिया सिर्फ 2 मूव में, क्योंकि यार एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला क्रिटिकल टाइप का पड़ गया था। तो अभी मैंने ये फर्स्ट वाला स्लॉट जो है कंप्लीट कर लिया है, तो अभी जो ऊपर वाले जो नोड है वो भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा, उसके पहले अपन कंप्लीट करेंगे लॉर्ड ड्रैगन को। क्योंकि देखो मेरे पास अभी कुछ टीमें ऐसी हैं जिनका डैमेज अच्छा है, जैसे कि डॉगी की, तो डॉगी का डैमेज अच्छा है तो मैं ऊपर वाले नोड को कंप्लीट करने में इसका डैमेज वेस्ट क्यों करूँ, क्योंकि वो रेयर और कॉमन वाली हैं तो उनको तो अपन ऐसे नॉर्मल प्लेयर से भी हरा सकते हैं और नोट कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसलिए हम करेंगे। लो भाई साहब, भाई 18,500 हेल्थ है और हम सोचो कैसे खेल लें, अगर इसका एक कॉम्बो भी पड़ गया ना अपनी टीम चली जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो अगर आपको हेल्थ बढ़ानी है तो आपको स्टार्टिंग से लेके जितने भी स्लॉट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट, उसके बाद लास्ट वाला फोर्थ स्लॉट जो होता है, मतलब मैप में, ठीक है मैप की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनमें आपको सारे जितने भी होते हैं स्टार्टिंग वाले ये सब कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इनमें छोटे छोटे जो नोड रहते हैं ना ये जल्दी कंप्लीट भी हो जाते हैं और इससे आपकी हेल्थ भी बढ़ती है, डैमेज भी बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में आप जितना मतलब जितने वाले नोट कंप्लीट करोगे तो आगे जाके आपको उनका जो डैमेज और उनकी हेल्थ होती है वो आपकी टीम में प्लस होती जाती है, आपकी टीम में उतनी हेल्थ और उतना डैमेज मतलब इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपने कोई नोट कंप्लीट किया उसका 4 गुना डैमेज बढ़ रहा है तो आप वो कंप्लीट करोगे तो आगे वाली जो टीम में जो आगे वाले नोट आप कंप्लीट करोगे उसमें आपका डैमेज 4 गुना बढ़ जाएगा, और अगर हेल्थ 4 गुना बढ़ रही है तो आगे वाले जो नोड आप कंप्लीट करोगे उसमें आपका 4 गुना हेल्थ बढ़ जाएगा। तो यार ये मैटर करता है, जैसे मेरा इसमें 12% HP बढ़ रही है, HP मतलब इसमें 12% मेरा जो होता है वो हेल्थ बढ़ रही है, तो अब ये मैं नोड कंप्लीट करूँगा तो मेरी 12% हेल्थ टीम की बढ़ जाएगी, चाहे मैं फिर कोई सा भी नोड खेलूं। जैसे मेरी हेल्थ 12,000 या 20,000 या 40,000 है तो 40,000 में मेरा 12% और ऐड हो जाएगा, तो वो करीब करीब 46,000 या 48,000 हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो यार ये सही चीज़ होती है, क्योंकि आप देखो जो अभी आप कंप्लीट करोगे जितने भी मान लो जो सोलो रेड में जितना भी आप कंप्लीट करोगे उसी से आपकी अलाइंस रेड में जो डैमेज होता है वो बढ़ेगा। जैसे आपने सोलो रेड में कुछ खेला नहीं तो आपका अलाइंस रेड में इतना अच्छा डैमेज नहीं होगा, और अगर आपने सोलो रेड में बहुत अच्छा खेला है, आप रैंक 800 के अंदर मान लो अगर आपने सोलो रेड में बहुत अच्छा खेला, रैंक 800 के अंदर आप ले आए ना, तो आपका अलाइंस रेड में अच्छा डैमेज होगा, और अच्छा डैमेज दैट मीन्स कि यार आप जल्दी जल्दी नोट कंप्लीट करोगे और आपको लेजेंडरी शार्ड, एपिक शार्ड और रेयर वाले बहुत जल्दी मिलेंगे। जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतनी जल्दी आपका नोट कंप्लीट होगा और जितना ट्रिक लगा के आप खेलोगे, ठीक है। तो स्वाइप बैक, स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट ये करते रहो, और अगर आप ट्राई करो कि आपके जो स्लॉट है उसमें तीनों मूव्स रहे, यानी कि ब्रेकर, डिफेंसिव और स्ट्राइक, और आप देखो टर्टल यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ कम बची है और आपके पास टाइम अभी है मारने के लिए तो आप थोड़ा टर्टल करके खेलो, जैसे मैं अभी खेल रहा हूँ। देखो जो ओपोनेंट है रेड में वो तो आउट ऑफ प्लेयर है, वो मारेगा ही मारेगा, ठीक है, रेड की बात है तो वो मारेगा, ठीक है। आप टर्टल कर सकते हो यहाँ पे, अगर वो स्ट्राइक मारता है तो आप डिफेंस मार दो, अगर वो ब्रेकर मारते हैं तो आप स्ट्राइक मार दो। टर्टल करने से फ़ायदा ये होगा आपका कि देखो आपको हेल्थ आपकी कम है, आप थोड़ी देर और खेल सकते हो, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा डैमेज आपको और मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको उतना शार्ड भी ज़्यादा मिलेगा, उतना रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। तो अभी बस लेवल नाइन टायर का ये बॉक्स है जो लॉर्ड ड्रैगन वाला है, इसमें को अपने को इपिक शार्ट मिलेंगे, लेजेंडरी तो नहीं मिलेंगे, लेजेंडरी अपने को सिर्फ 10 टायर के वालों से में मिलते हैं और 10 टायर के नीचे वालों में नहीं मिलते हैं, तो 9 वाले में मुझे इपिक शार्ट मिल जाएंगे।
तो भाई ये बस कंप्लीट हो जाएगा अभी, तो अपने को मिलेंगे ईपिक शॉट में, आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सा, ठीक है। तो अपनी हेल्थ कम है तो हम स्वाइप बैक स्वाइप फ्रंट करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि भाई साहब लेवल 7 लेजेंडरी हैं और वे बहुत कुत्ता भरेगा अगर मारेगा तो, बहुत ज़्यादा ही गंदा, ठीक है। बम लोग कैंसिल, भाई ये लोग कैंसिल भी करते हैं मूव्स, देखो जितना हम लोग नहीं ट्रिक लगाते हैं ना, हम लोग बेफिक्र होकर खेलते हैं कि ये रेड इवेंट कोई ओपोनेंट हमारा इतना तगड़ा तो है नहीं, पर यार ये लोग ना मतलब ऐसे मूव्स कैंसिल कर करके खेलते हैं जैसे एंचेस इनको कोई मतलब रैंक 1 रैंक 2 लाना है, सिल्वर इलाइट करना है, जैसे ऐसे ये लोग कैंसिल करके खेलते हैं, लोग पुम पिल गए। चलो खोपड़ी जो गोली लगी है ना वो दोबारा नहीं आएंगे, परफेक्ट हराया है भाई इतनी, तो ट्रिक थोड़ी सी लगानी पड़ेगी यार आपको भी खेलने के लिए रेड। और इससे भी मेरा 12% HP बढ़ा है जो कि मुझे आगे वाले टीम्स में आगे वाले नोड में बहुत हेल्प करेगी, और वहाँ पे मेरी HP बढ़ जाएगी, जो भी मैं आगे कंप्लीट नोड करूँगा उसमें मेरी टीम की हेल्थ जो है बढ़ जाएगी। तो अपने को हो गया ये फर्स्ट लोड कंप्लीट, अभी अपन ये स्लेज तो नहीं, ये वाला तो नहीं करेंगे यार, क्योंकि इसका जो डैमेज ज़्यादा है अपनी टीम में जो हाई डैमेज वाली वो ख़त्म हो चुकी है, तो हम ऊपर वाले नोड कंप्लीट करेंगे और आपको दिखाएंगे यार कि किनको कंप्लीट करना चाहिए। बेसिकली मैं सबको तो कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा, मतलब कंप्लीट सबको करूंगा पर इतना लंबा ना हो वीडियो इसके लिए, मतलब जो रेयर वाली है वो मैं कंप्लीट करते हुए दिखाऊंगा और जो बाकी कॉमन वाली हैं उनको मैं कंप्लीट करूंगा और दिखाऊंगा, मतलब कंप्लीट करके दिखा दूंगा, मतलब वैसे मतलब खेलना नहीं, खेलता हुआ नहीं दिखाऊंगा, पूरा लंबा सा बस आपको रिवॉर्ड क्लेम करते टाइम दिखा दूंगा कि वो कंप्लीट हो गई है। तो उससे क्या होगा यार ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं जाएगा, वैसे भी वीडियो ये 20-22 मिनट तक की जाने वाला है। तो फिर जो इवेंट के जो वीडियो होते हैं जैसे रेड हो गया, सोलो रेड हो गया, अलायंस रेड हो गया, मेगाजॉट इवेंट हो गया, तो जितने भी इवेंट होते हैं यार इनके वीडियो काफ़ी लंबे लंबे जाते हैं, और हम मुझे पता है यार डाटा आजकल 1.5 GB ही ऑलमोस्ट सबको मिलता है, जितने भी यार पावर रेंजर लेगेसी वॉर के प्लेयर्स हैं या फिर जितने भी लोग फैंस हैं पावर रेंजर लेगेसी वॉर की, वो सब यार 20-22 या 30 साल के अंदर वाली हैं, और ये सब लोग इतने मैच्योर नहीं होते, क्योंकि अपन भी नहीं है यार इतने मैच्योर कि यार 1.5 GB डाटा ही मिलता है ऑलमोस्ट सबको, क्योंकि भाई हर किसी के घर पे वाईफाई नहीं होता ना भाई, जैसे वेस्ट करें हम लोग इतना सारा नेट। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जितना ज़रूरी है वीडियो उतना ही दिखाऊं, और उसके बाद आपको टिप्स तो मैं पूरी दे दूंगा, फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी भाई बहुत गंदा लॉरेन शिबा खेल रहा है, मुझे पता है कि ये ब्रेकर मेरा काम नहीं करेगा बहुत से, मेरे पास इतनी गंदी टीम है मैं क्या बताऊँ, मेरे पास सभी ब्रेकर हैं और जो एक स्ट्राइक है उसके तो पड़ने के मतलब कोई चांस ही नहीं है, 1% चांस नहीं है कि स्ट्राइक पड़ेगा। तो फिर भी लो लॉरेंस शिबा का पड़ गया स्ट्राइक और मैं फिल गया भाई, तो कोई नहीं यार ऐसी टीम मत लगाओ, मैं तो यार कोई सी भी टीम उठा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार अभी ये लो रैंक वाले हैं नोड, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई सा भी लगा लो, पर यार ऐसे एनर्जी वेस्ट होती है, आपको एनर्जी बचा के चलना है। और आपको खेलने का मैं कुछ ऐसा टिप दे रहा हूँ, जैसे आपको मान लो आपके पास 40 एनर्जी है तो आपको एक बार में 6 से 7 एनर्जी ही यूज़ करनी है, 6 से 7 एनर्जी यूज़ करने के बाद आप गेम बंद कर दो, मतलब इवेंट खेलना बंद कर दो रेड वाला, फिर 4 घंटे के बाद आप खेलो, उससे क्या क्या होगा कि आपका जो मेन टीम में है जिनका डैमेज ज़्यादा है वो 4 घंटे के बाद वो फिर से रिफ्रेश होके आ जाएंगी और चार्ज होके मतलब फिर से आ जाएंगी, तो उनका डैमेज ज़्यादा होगा तो उससे आप जल्दी जल्दी नोट कंप्लीट कर लोगे। और देखो पूरा दिन नोट खेलने से अच्छा है, मतलब एक बार में सभी नोट खेलने से अच्छा है, एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 4 खेलो और बात ख़त्म करो 4 घंटे के बाद फिर खेल लो, उसमें क्या हो गया यार आपका एनर्जी बचेगी आपका डैमेज अच्छा होगा। तो आप आगे यार देखो 3 दिन का इवेंट होता है, 3 दिन में आपको मिलती है टोटल करीब करीब 120 से 122 एनर्जी, ठीक है 120-130 ऐसे कुछ मिलती है, मैंने टोटल काउंट तो नहीं करी बट एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमें 30 मिलती है, बाकी हमें उससे मिल जाती है बॉक्सेस जो मिशंस आते हैं वहाँ से, किसी में 12 किसी में 15 ऐसे मिल जाती, तो और बाकी जो आप डेली लॉगिन पे खोलोगे जो आपको मिल जाएगा करप्शन जोन से मिल जाएगा वहाँ से, ये सब मिला के 100-120-122 ऐसे मिलती है। तो यार उनको वेस्ट नहीं करना है, हर 4 घंटे में अगर आप 7 लगाओगे तो 7 × 6 = 28 280 खर्चा होंगी, उसमें से आपको 230 मान लो मिलती हैं, तो यार आपका टॉप 500 में तो आप इजीली आ जाओगे, ठीक है। तो उससे कोई मतलब आपका फ़ायदा है, 500 में अगर आप 500 की रैंक में अगर आप आ गए तो आपको बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा, करीब करीब आपको 1300 से 1500 मतलब 13,000 से 15,000 के बीच में ऐसे कुछ कॉइन्स आपको मिलेंगे, तो उससे आपका यार जो लीडर वगैरह है वो अपग्रेड करने के काम आ जाएगा। और अभी मैंने ये देखो सारे आपको दिखा दिए हैं कि कंप्लीट करने हैं, तो जो फर्स्ट वाले जितने भी रहते हैं मतलब फर्स्ट स्लॉट जो एक होता है ना हिस्सा एक मैप का, वो फर्स्ट वाला पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है। और यार वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने दिखाया नहीं इतना सब खेलते हुए, तो
आपको भी ये सारे कंप्लीट करने हैं, और इससे क्या होगा आपको बता जाइए कि हेल्थ बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, आपकी डैमेज बढ़ जाएगा, जो कि आपको आगे इवेंट में काम आएगा। तो ये पूरा जो स्लॉट है वो मैंने एक बार में कंप्लीट किया है, और आप देख सकते हो कि मेरी 33 ऑलमोस्ट एनर्जी लग गई है इसको कंप्लीट करने में। तो अभी के लिए यार इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी इससे इसके बाद वाला मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून और सब्सक्राइब।